हमारा टॉपिक है यूजिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स में हम देखेंगे क्लास डिक्लेयर करना किस तरह से हम क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं अ क्लास डोनेट्स अ कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक क्लास जो तो है वो ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है फॉर इंस्टेंस मैं एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ चेयर तो बेसिकली वो चेयर की कैटेगरीज को रेफर कर रही है यानी एक क्लास से बहुत सारी चेयर्स के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उस क्लास चेयर से बिलोंग करेंगे तो बेसिकली चेयर जो है वो एक टैंपलेट या आप ये कह लीजिए कि एक ब्लू प्रिंट है उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन किए हुए है कि कैसा ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में नजर आएगा ये सारी इंफॉर्मेशन उस क्लास के अंदर पड़ी हुई है मैं इसके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस आप पेन की बात करते हैं तो एक पेन जो है वो किसी भी ब्रांड का आप पेन ले लीजिए तो मार्केट से जब भी आप उस ब्रांड का दोबारा पेन खरीदते हैं तो वो सेम साइज़ का सेम शक्ल सूरत का आपको पेन मिलता है क्योंकि वो एक ही टैम्पलेट से वो जनरेट हो रहा होता है और वो जिस जिस जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि पेन की हाइट क्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए इसका सिलेंड्रिकल शेप कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए इसका कलर क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसका टैम्पलेट है या उसे हम दूसरे लफ्ज़ों में क्लास भी कह सकते हैं इसी तरह से मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल फ़ोन ले लें एक ही मॉडल के मोबाइल फ़ोन आप मार्केट से खरीदें वो सेम शक्ल सूरत के होंगे, सेम फीचर्स के होंगे वो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स हैं जबकि उनको वो जिस टैंपलेट ते, से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे मोबाइल फ़ोन वो एक्चुअली उनकी क्लास और उस क्लास में ये डिफाइन किया गया है कि इन मोबाइल फोन में क्या क्या फीचर्स होने वो हर मोबाइल फोन में वो सेम कैमरा कैमरे के पिक्सल सेम मेमोरी सेम प्रोसेसिंग स्पीड वो सब में वो ही आपको मिलेगी तो क्लास में आप बेसिकली प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स जनरली डिफाइन करते हैं अब एग्जांपल हैं ऑब्जेक्ट्स की वन हंड्रेड बल्ब एक वैलिड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है नाइट बल्ब स्पॉट लाइट ये सब के सब लाइट क्लास के ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल है एक क्लास डिक्लेरेशन के लिए इस स्लाइड पे एक एम क्लास का स्ट्रक्चर लिखा है क्लास की है जावा का उसके आगे, आगे आप क्लास का नाम डिफाइन कर सकते हैं ये एक आइडेंटिफायर या आपके डिस्पोजल पे यूजर या प्रोग्रामर के डिस्पोजल पे है कि वो क्लास का नाम क्या रखता है लेकिन इट इज सजेस्टेड कि जब भी आप क्लास का नाम रखें तो कैपिटलाइजेशन लाजमी जहन में रखें यानी फर्स्ट लेटर हमेशा क्लास के नाम का कैपिटल होगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो स्मॉल कैरेक्टर्स में होंगे अगर आपकी क्लास का नाम जो है मल्टीपल वर्ड्स पे मुश्तमिल है जैसे माय फर्स्ट क्लास तो माय का एम कैपिटल फर्स्ट का एफ कैपिटल और क्लास का सी कैपिटल और ये इनमें कोई आपस में स्पेस नहीं होगी तो कीवर्ड क्लास इंडिकेट्स दैट वी आर डिफाइनिंग क्लास लाइट इज द नेम ऑफ द क्लास एंड द ब्लॉक इनिशियली एम वो क्लास के इंफॉर्मेशन uh, को होल्ड कर रहा है अब हम इस क्लास का डेमो देखते हैं कि लाइट क्लास किस तरह से एक्चुअली डिफाइन uh, की गई है और ये क्या काम कर रही है ये हमारी क्लास है लाइट और जावा में जब भी आप uh, कोई भी फाइल uh, में कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उसी नाम से आपकी फाइल सेव होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट डॉट जावा एक्सटेंशन जावा ही होगी और फाइल का नाम सेम होना चाहिए ये क्लास का ब्लॉक है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पर हो रहा है ठीक है इस क्लास के अंदर बेसिकली आप फील्ड्स जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कह रहे हैं और फंक्शंस ठीक है जिन्हें हम इंस्टेंस मेथड्स भी कह रहे हैं वो डिफाइन कर सकते हैं इस क्लास से पहले आप पब्लिक भी लिख सकते हैं इस तरह से जावा में आपको हर चीज़ यानी हर एट्रीब्यूट और हर बिहेवियर यानी मेथड से पहले पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखना पड़ता है और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो उसकी एक्सेस डिफ़ॉल्ट होती है ये हम एक्सेस मॉडिफायर्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये इन एक्सेस के क्या मतलब है यहाँ पर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट नंबर ऑफ वर्ड्स और बुलियन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया बुलियन इंडिकेटर ऑफ अगर ऑफ है इट मींस इंडिकेटर के अंदर क्या होना चाहिए फॉल्स अगर ट्रू है तो इसका मतलब इंडिकेटर ऑन है और यहां पर हमने एक फंक्शन मेथड्स डिफाइन किए हुए स्विच ऑन इंडिकेटर को हम क्या कर देते हैं अगर कोई चीज स्विच ऑन है तो इंडिकेटर को क्या वैल्यू असाइन होनी चाहिए ट्रू स्विच ऑफ तो इंडिकेटर के अंदर क्या असाइन होनी चाहिए फॉल्स बोलियन ये प्रेडिकेट फंक्शन है प्रेडिकेट फंक्शन जो है ये बेसिकली इंडिकेटर का स्टेटस रिटर्न कर रहा है इज ऑन मीन्स कि इंडिकेटर अगर इसके अंदर ट्रू पड़ा हुआ है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू अगर फॉल्स पड़ा हुआ है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा यानी ये प्रेडिकेट फंक्शन है मीन्स ये स्टेटस रिटर्न कर रहा है इस इंडिकेटर इस इज ऑन के फंक्शन का या इस इंडिकेटर के की वैल्यू रिटर्न कर रहा है इनफैक्ट तो यहाँ पर आपने देखा कि जावा की क्लास बड़ी सिंपल है इसमें पब्लिक uh, uh, आप लिखना चाहते हैं तो लाजमी लिखें आगे ये ये भी कीवर्ड है क्लास कीवर्ड है आगे आइडेंटिफायर है उसका नेमिंग कन्वेंशन मैंने आपको पहले शेयर कर दी ये क्लास का ब्लॉक है क्लास के ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शंस लिख सकते हैं ये फंक्शंस और ये तमाम वेरिएबल्स जो हैं इस एंटिटी से रिलेटेड होने चाहिए यानी प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन मेंटेन होनी चाहिए गैर ज़रूरी वेरिएबल्स और गैर ज़रूरी फंक्शंस इस क्लास के अंदर जनरली आप डिफाइन नहीं करते तो होपफुली आपको बेसिक जावा का क्लास लिखने का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा हमने लास्ट स्लाइड पे हमने लाइट क्लास का डेमो देखा और होपफुली आप, आपको उससे बेसिक जावा क्लास का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा अब हम फर्दर देखते हैं इसी क्लास को ग्राफिकली यू फॉर्म में हम देखते हैं तो आप देखें हमने क्लास डिफाइन की और क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हमने डिफाइन किए दोनों इंस्टेंस हैं एस के और एक इंस्टेंस में नंबर ऑफ वॉर्ड्स जो हैं आप देख सकते हैं उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है हंड्रेड और इंडिकेटर पड़ा हुआ है फॉल्स जबकि दूसरे में नंबर ऑफ वर्ड्स फाइव और इंडिकेटर ट्रू पड़ा हुआ है तो इससे ये पता लग रहा है हमें कि जो नंबर ऑफ वॉर्ड्स फाइव वाला जो लाइट है वो बेसिकली ऑन स्टेटस में है जबकि दूसरे नंबर ऑफ़ वॉड्स हैंड्रेड वाली है वो इस वक्त ऑफ स्टेटस में है यानी वो लाइट ऑफ है तो ये बेसिक इस डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर uh, होते हैं यूएमएल फॉर्म में और किस तरह से क्लासेस क्लासेस के अंदर आप देख सकते हैं तीन कंपार्टमेंट्स जैसे ऑलरेडी शेयर था लेकिन ऑब्जेक्ट्स में उस तरह से तीन कंपार्टमेंट्स नहीं है ऑब्जेक्ट्स में मेमोरी स्पेसेस और फंक्शंस दिखाए गए हैं और मेमोरी स्पेसेस के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं और फंक्शंस जस्ट आपको शो किए गए हैं डॉटेड लाइन्स में फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड तरह देखते हैं तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं तो so ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट जो है वो इस लाइन पर क्रिएट किया यहाँ पर हमने मेंशन किया लाइट टाइप जो हमारी क्लास की थी हमने ये एक ऑब्जेक्ट का नाम रखा डेन लाइट और ये जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका इज इक्वल टू न्यू लाइट ये न्यू ऑपरेटर है विच रिटर्न मेमोरी इन हीप हीप जो है आपको पता है ये एक और मेमोरी स्टोरेज होती है डायनेमिक मेमोरी स्टोरेज होती है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जावा में जो आपका रेफरेंस है वो हमेशा याद रखिए स्टैक में क्रिएट होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हीप में क्रिएट होता है ये जो ये ऊपर आपके सामने पिक्चर है ये इसको बड़े अच्छे तरीके से डिपेक्ट कर रही है ये रेफरेंस पार्ट जो है ये स्टैक में है और ये ऑब्जेक्ट पार्ट जो है ये हीप में क्रिएटेड है इस रेफरेंस में इसका एड्रेस होता है जिसके ज़रिए ये पॉइंट कर रहा है जावा में वैसे पॉइंटर अलाउड नहीं है लेकिन रेफरेंसेज इंटरनली वही काम कर रहे होते हैं जो C++ में पॉइंटर्स बट इनकी एक्सेस हमें उस तरह से नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों वेरिएबल्स जो आपने क्लास में डिक्लेयर किए थे नंबर ऑफ वर्ड्स और इंडिकेटर ये दोनों मेमरीज अवेलेबल हैं अगर नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो चार बाइट का है और इंडिकेटर बुलियन वेरिएबल है विच इज़ वन बाइट तो ये टोटल ऑब्जेक्ट का साइज जो है फाइव बाइट है यानी ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है कि क्लास में कितने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं उन तमाम का साइज एक्यूमुलेट करके ऑब्जेक्ट का साइज डिक्लेयर होता है